और अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं और पिकनिक के लिए आए हुए हैं। उसके बाद हमने पिज़्ज़ा खाया है, बर्गर खाया है, फ्राइज़ खाए हैं। तो ज़रा चिल डे है, फन डे। तो आपको भी दिखाते हैं, पूरा व्लॉग एंड तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले एक मिनट मैं रुकती हूँ, आप ज़रा सब्सक्राइब करके आएँ। जी, हमारा दिन स्टार्ट हुआ है मज़ेदार किस्म के ब्रंच के साथ। हमने लंच और ब्रेकफास्ट की जगह इस तरीके से चपली कबाब के साथ ब्रंच किया है, और बड़े ही मज़ेदार चपली कबाब मैंने घर पे बनाए हैं कीमे के साथ। तो उसके बाद हम लोग निकले हैं पिकनिक के लिए। हम फुटबॉल खेलेंगे, फिर आप नीचे पर जाना, ये बांध दे। आज जी हम जा रहे हैं वैलेंटाइंस पार्क में, जो कि हमारे घर से तकरीबन आधे घंटे की बस के सफ़र में है। तो जो है ना, बस पे बड़ा हम एंजॉय करते हुए ऊपर वाले पोर्शन में बैठ के जा रहे हैं। पकड़ लेगी ना आयशा, एक साइड से पकड़ो। नहीं, उधर से पकड़ो। बेबीज ऑन द बस, गो। आयशा छोड़ दो बेटा इसको। आज बड़ा प्यारा सनी डे है, तो वैलेंटाइंस पार्क में बहुत फ्रेश है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत सारे लोग, फैमिलीज आ रही हैं इंजॉय करने के लिए। तो बड़ा रश है आज। ये देखें जी, अब हम एंटर हो गए हैं वैलेंटाइंस पार्क के अंदर, और यहाँ पे सबसे पहले ये बोटिंग एरिया है। यहाँ पे हम बोटिंग वगैरह कर सकते हैं, और जो है ना, वैसे बर्ड्स काफ़ी हैं, पिजन्स हैं। और यहाँ पे जो है ना, रश बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह एक तो ये है कि बच्चों को ना मिड टर्म्स ब्रेक हुई हुई है, तो वो छुट्टियाँ एक हफ्ते की हैं, उसके दौरान जो है ना हम भी गए हैं, तो इसलिए भी शायद लोग बहुत ज़्यादा बाहर निकले हुए हैं। और दूसरी बात यह कि मौसम अच्छा है, सनी डे है, तो पहली दफ़ा आप लोग देख रहे होंगे कि हमने जैकेट्स नहीं पहनी हुई, वरना हम लोग हमेशा जैकेट्स में जाते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है ना मौसम अच्छा है आजकल। जोहा, बेबीज ऑन द बस, को मम्मीज ऑन द बस, को एंड डैडीज ऑन द बस, को बात।
listen to me. Where are you going? यहाँ पे जी बहुत ज़्यादा रश के बावजूद हमने क्यू में लग के तो बच्चों को झूले दिलाए हैं। देखें बच्चे कितने खुश हो रहे हैं। अब जी स्विंग्स के बाद बॉल के साथ खेलने का टाइम है। हम चारों ने मिलके अब भी खेलना है। इसको उसमें से तो निकाल लें। Here is the banana. No. पिकनिक पे नो नहीं करते। नो जो ही करें। हाफ आप खा लेना, हाफ मैं खा लूं। यम्मी इज द बनाना यम्मी। आप क्या खाओगे? बिस्किट करके चाट के क्या खाओ? ये कौन खाएगा? आयुषी खाएगा। चुंकी वाला डैडी का नहीं, ये नहीं है। थुंके वाला नहीं होता, ये तो मीठा होता है। ये मीठा है, ये इसमें नहीं है। जो हमने थुंके लगा के मीठा किया ना? नहीं नहीं तो देखो। क्लियर? ओके गो। यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जो भी जिन लोगों ने भी किसी भी वीज़ा के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी हो यूके के वीज़ा के बारे में, तो मैं आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, क्योंकि मैंने सुना है कि जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो मिल नहीं रही होती, या पता नहीं लोगों को चलता कि किस वेबसाइट के थ्रू जो है ना इसकी ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन लेनी है, चाहे वो कोई भी वीज़ा हो। तो उसके जो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे उसकी वेबसाइट दे दूंगी।
लेना नहीं है, ठीक लेना नहीं है। मामा की तरफ फेंक को, जो मामा की पकड़ना नहीं है, गीला है बेटा, गंदा है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ फुट के रखे। उधर आयशा, उधर फेंक रही हो, कोई बात, कोई बात नहीं, आ जा, कोई बात नहीं, सुनो नहीं अभी झूले नहीं लेना, इस तरह ऊपर नहीं करते, अब जी हमने खा पी भी लिया है कुछ ना कुछ, और साथ में हमने झूले भी ले लिए हैं, फिर बॉल के साथ खेल भी लिया है। अब हम जो है थोड़ा सा घूम घुमा के वापस जाने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अब हमने जाना है खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट में। हमने पिज़्ज़ा खाना है बच्चों ने और बर्गर खाना, तो उसके लिए जाना है। बहुत सारी भूख लगी हुई थी क्योंकि बच्चों के साथ भाग भाग के बुरा हाल हो गया था। बच्चे तो थकते नहीं है लेकिन हम लोग जो है ना वो थक जाते हैं। Be careful. Let's go, और आगे चलते हैं, आज और आगे चलते हैं। चलिए आयशा, जितना ज्यादा पार्क पड़ा सारा पार्क देखना है। इधर जो मामा की तरफ देखो, मैं आप वीडियो बना रही हूँ। कैसे जो बेबीज ऑन द गर्ल बस को और आगे जो आगे सुनाओ ये वाली पॉइंट। अब जी हम आए हैं एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट जिसका नाम है चिकन एक्सप्रेस। इनका टेस्ट बहुत मज़े का है। ये पाकिस्तान के ही हैं जिनका ये जो ओनर है, तो नवीद के साथ इनकी बड़ी गपशप लगी और इन्होंने यहाँ पे अपना बिजनेस स्टार्ट किया और बहुत अच्छा टेस्ट है। तो कहीं पे भी जो है ना यहाँ पे पूरे यूके में स्पाइसी और मज़ेदार जिस तरह पाकिस्तान में मिलता है ना, हमें उस तरीके से नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ पे जो है ना मैंने इनको बोला कि चिकन टिक्का मुझे थोड़ा स्पाइसी चाहिए, तो उन्होंने बड़ा अच्छा पिज्ज़ा दिया। नहीं मील की क्या जरूरत है, उसमें ड्रिंक है नहीं। हलाल का निशान
जी ये तो था आज का हमारा पिकनिक ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक करें। ओके अल्लाह।